नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज। जुर्म का पर्दाफाश। आज की बड़ी खबर आ रही है बाराबंकी जनपद से। बाइक सवार ने मारी साइकिल सवार को टक्कर, एक व्यक्ति की मौके पर हुई मौत। प्राप्त जानकारी के अनुसार टिकैत नगर से भेलसर को जोड़ने वाली रोड बाराबंकी और फैजाबाद बॉर्डर के समीप ग्राम सभा पूरे पास इन गाँव में आज सुबह लगभग 7 बजे के बीच में बाइक सवार ने साइकिल सवार व्यक्ति को मारी जोरदार टक्कर, जिसमें साइकिल सवार हंस राजपुत्र राम लखन रावत निवासी पूरे पासीर पुरवा, जिनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। परिजनों ने बताया कि मजदूरी करने के लिए जा रहा था साइकिल से हंस राजपुत्र राम लखन रावत। वहीं ग्रामीणों ने किया रोड जाम करके भारी आक्रोश। घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत मौके पर पटरंगा थाना अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह, रुदौली कोतवाल विश्वनाथ प्रसाद यादव, मवई कोतवाल सूजागंज चौकी प्रभारी सुधाकर यादव, सीओ धर्मेंद्र कुमार यादव, एसडीएम ज्योति सिंह ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों को शांत करवाया। मौके पर तमाम पुलिसकर्मी भी मौजूद थे और एसडीएम ज्योति सिंह ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि सरकार की तरफ से पारिवारिक सहायता दिलाया जाएगा एवं आवास दिलाया जाएगा, विधवा पेंशन भी दिलवाया जाएगा। वहीं सीओ धर्मेंद्र कुमार यादव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पीड़ित परिवार बहुत ही गरीब है, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और पीड़ित का वो मुआवजा जीवन दुर्घटना बीमा भी मिलेगा और लाश को पीएम के लिए भेज दिया। आरोपी के ऊपर संयुक्त से सख्त से कार्रवाई की जाएगी। बाराबंकी से इंडिया पावर न्यूज के लिए दिलीप कुमार की रिपोर्ट। नाम है आपका? सर रामू। अच्छा, कौन सा गांव है? अच्छा, तहसील कौन सी है? रुदौली। रुदौली है। क्या हुआ था? सर ये सुबह 6 बजे निकले मजदूरी के लिए। अच्छा, रोड पे खड़े थे। हाँ? कुछ लोग मजदूर के और साथी में जा रहे हैं जाने के लिए। अच्छा, तभी गाड़ी वाला उधर से आ रहा था पूर्व साइड से, ये रोड वही साइडे में खड़े रहे, इतनी तेजी से तो स्पीड में मारा है इतनी तेज में। ये हादसा कहाँ पे हुआ है? ये हादसा सर खंडपुरा मोड़ डीजल वाली दुकान के थोड़ा सा वही क्या हुआ है। अच्छा अच्छा, तो ये हादसा मतलब कैसे हुआ है? साइकिल से हुआ है कि मोटरसाइकिल से हुआ है? ये साइकिल लेके साइड में खड़े थे। हाँ, मजदूरी के लिए जाने के लिए। अच्छा सर, बस इसी पे जाके वो मार दिया तुरंत। अच्छा, जिसने मारा है उसका नाम बताएंगे आप? सर सराय नहीं, सराय का लड़का है कोई मुस्लिम का। अच्छा, क्या मतलब वो उस कहाँ पे है अभी? वो तो उसको सौ नंबर आके पुलिस वाले तुरंत उठा के लेके चले गए। कोई कार्रवाई हुई अभी तक? बाद में फिर कार्रवाई, बाद में अधिकारी लोग आए हैं। हाँ? फिर लिखा पढ़ी। मतलब यहाँ पर पुलिस कब पहुँची है? यहाँ पे कम से कम 4 घंटे बाद पुलिस। अच्छा, 4 घंटे बाद पुलिस पहुँची है। अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं? थाने वाले तो आए ही नहीं मौके पर। अच्छा, थाना कौन सा है? पटरंगा सर। अच्छा, पटरंगा पुलिस नहीं आई अभी? नहीं आई सर। घटना हुई सुबह, इस पे आप क्या कहेंगे? ये हमारे थाना पटरंगा क्षेत्र के टिकैत नगर रोड जाती है, पासी के पूर्वा के सामने हो गया जी। उसमें एक साइकिल सवार को मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मार दी जी। दोनों बीच में एक्सीडेंट हो गया और दोनों को जब एक्सीडेंट पहुँचाया गया तो प्रॉब्ली एक हाई सेट पर रिफर किया गया था जी। जाते समय जैसा कि प्रजन बताया कि जाते समय भी मौत हो गई जी। उसको लेकर लोगों में थोड़ा आक्रोश था कि जी जी। यहाँ के ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ पर पुलिस 4 घंटे बाद पहुँची है। इसका पहुँचने का कोई नहीं था क्योंकि मौके से जो घायल है उसको सीएससी में लिया गया जी। वो लगातार अपडेट था कि नहीं वो सीएससी और सीएससी से जिला अस्पताल जा रहा है, तो लेट पहुँचने का कोई कारण नहीं था। पुलिस आके जो यहाँ पे परिजन या जो लोग हैं उनको उपचार के लिए था कि वो उपचार के लिए जा रहे हैं और हमारी 100 नंबर आ गई थी जी। तो लेट पहुँचने का कोई इशू नहीं है। लेट तो पुलिस का और क्या काम था जी। सर अपनी तरफ से आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं अभी तक? इसमें जो भी पूरी कार्रवाई बनती है जो सारी पूछे मिल रही है। मृतक जो है मृतक है और उसको जो मुआवजा मिलना है, दुर्घटना मिलना है वो भी मिलेगा जी। और उसमें अधिक से अधिक हमारा इसलिए रहेगा कि जो यातायात नियम है जिसका लोग पालन करें। मैक्सिमम इसमें मोटरसाइकिल से चलते हैं जो बिना हेलमेट के हैं और ओवर स्पीडिंग में हैं, अधिक सवारी लेकर चल रहे हैं, तो इससे हम कंट्रोल करेंगे और इससे ठीक करेंगे। इसमें कहीं डिवाइडर की भी बात आ रही है, डिवाइडर की दिक्कत है जी, वो भी ठीक कराया जाएगा जी। ठीक, ओके सर।